ये खेल का मैदान और यहां मौजूद हर मन में उमंग का सैलाब, दिलों में बहती हुई ऊर्जा का दरिया। आप जब भी खेल के मैदान में उतरते हैं तो सारी दुनिया या तो एक बॉल में सिमट जाती है या फिर जीत में, रोम रोम जोश में डूबा हुआ होता है। ये शोर, ये रोमांच, ये जश्न और ये जीतने के लिए मर मिटने का टशन बस कहीं मिलता है तो खेल में। आज मैं माँ गंगा का तहे दिल से एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज ना तो मैं सिर्फ अपना बल्कि इस देश के हर छात्र, हर युवा का सपना जीने जा रहा हूँ। वो शोर आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे कानों में बराबर गूंज रहा है, राजीव राजीव राजीव। जी हाँ, भारत के 5 सबसे पुराने स्टेडियम्स में से एक गंगा किनारे स्थित कानपुर के इस ग्रीन पार्क स्टेडियम में अपना बल्ला उठाए प्रवेश करना एक सपना नहीं तो और क्या है। तो मैं जाता हूँ अपना सपना जीने, और कहीं आपका मन राजी राजी चिल्लाने का करे तो मेहरबान हो, जरा भी मत हिचकिचाइएगा। आगे है खेलूंगा क्रिकेट कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में और करूंगा अपना सपना पूरा। देखूंगा कानपुर के मशहूर चमड़ा उद्योग को प्रदूषण रहित करने के नमामि गंगे के प्रयासों को। जाऊंगा ऐसी खाने की दुकान जहां का जायका कई दशकों के बाद भी है बरकरार। जानेंगे क्यों सरसैया घाट कानपुर की आम जनता को भी भा रहा है। बहुत ही भव्य और नयनाभिराम है। देखूंगा अब कैसे बन रहा है फूलों से एक अनोखा चमड़ा। बहुत जल्द आप मुझे फ्लेदर की जैकेट्स पहनते हुए देखेंगे। कानपुर के कमिश्नर से अटल घाट पर होगी एक मुलाकात। पिठोर में जानूंगा कैसे रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ने वहां से लगाई थी आजादी की लड़ाई किया। इटावा से कानपुर की दूरी लगभग 156 यानी 156 किलोमीटर है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, गंगा किनारे बना कानपुर का ये ऐतिहासिक स्टेडियम BCCI का आधिकारिक तौर से उत्तर प्रदेश में इकलौता स्टेडियम है। 1940 में लेडी ग्रीन के नाम पर बना ये स्टेडियम कई मायनों में विशेष है। कहा जाता है कि ये भारतीय टीम का लकी स्टेडियम है, जहां खेले गए ज्यादातर मैचेस भारत ही जीता है। मैं मेरे साथ में है ग्रीन पार्क के ऑफिशियल पिच क्यूरेटर जो कि BCCI से भी जुड़े हुए हैं, शिव कुमार जी। तो ये क्यों इतनी ऐतिहासिक है बताइए, यहाँ पे सबसे बड़े मैचेस जैसे जो आपको याद हो। 1949 में पहला मैच खेला गया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। अच्छा। और तब से लेके आज तक टेस्ट सेंटर फॉर्मेट बदलते चले गए, फिर वन डेज आया, फिर T20 आया, फिर IPL आया, सारे फॉर्मेट्स का गवाह रहा है ग्रीन पार्क। जब से भारत में टेस्ट क्रिकेट शुरू हुआ, लाइक सुनील गावस्कर से लेकर अजीत बाडेकर, गुंडप्पा विश्वनाथ, ये सारे प्लेयर यहाँ खेले। उसके बाद में अजहरुद्दीन, रोहित शर्मा, ये सब बैट्समैन इतनी अच्छी बैटिंग की है यहाँ पे कि उनके लिए जो मुफीद है बैटिंग पिच। तो खेल बनते बिगड़ते पिच की वजह से। यस। तो ऐसी क्या खास बात होती है, इतनी क्यों पिच की अहमियत होती है? देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं, इसमें जो मिट्टी है ना, मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये प्रकृति की देन है कि हमारे कानपुर के आसपास मिट्टी भी ऐसी है जो इस इंडियन पिचेस के लिए बहुत उपयुक्त है। ये मिट्टी इतनी उपयुक्त है कि इसको विदेश में भी लोग ले गए हैं पिच बनाने के लिए, लाइक शारजा। तो शारजा में यहाँ कानपुर के पास का एक जनपद है उन्नाव, यहाँ की मिट्टी जाया करती थी। तो ये कानपुर और ग्रीन पार्क जो सबसे पुराना ऐतिहासिक टेस्ट सेंटर है उसके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि गंगा किनारे की मिट्टी भी हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या बात है। तो सुना आपने, गंगा सिर्फ किसानों के खेत को ही नहीं सींचती, हमारी
क्रिकेट की पिच को भी सींचती है। ये जो इसका क्ले कंटेंट्स है ना, ये प्रकृति की देन है। अभी साइंस जब से आया तब हमें पता लगा कि इस गंगा किनारे की मिट्टी में भी क्ले कंटेंट बहुत है, जिससे अच्छे विकेट बनते हैं। अच्छा, मैंने सुना है खबर, कहते हैं फास्ट पिच है, ये स्लो पिच है, वो कैसे होता है? वो जब हम इसको तैयारी करते हैं ना, जो प्रिपरेशन इसको देते हैं, उस पर निर्भर करता है कि पिच का बिहेवियर कैसा होगा। इसमें कितना क्ले है, इसके घास की स्थिति क्या है, हमने किस टाइप का ट्रीटमेंट इसको दिया है, लाइक रोलिंग, वाटरिंग, मॉइस्चर इसमें हमने कितना रखा, ये इस पर डिपेंड करता है। लाइक ऑस्ट्रेलिया में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो पिच लगातार तेज खेलते हैं। शिव कुमार जी, देखिए मैं गंगा के साथ साथ चलता है और ये मेरा सपना पूरा हो गया। देखिए, माँ गंगा आपको यहाँ बुलाई है। जी बिल्कुल, सौभाग्य की बात है इस ग्रीन पार्क की। आज मेरा एक सपना पूरा हो गया कि ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैंने बल्ला उठाया और मैं इस पिच पर खेला। उम्मीद कर रहा था कि चारों तरफ ये स्टेडियम खचाखच भरा होगा, पर कोई मलाल नहीं, वो भी मैंने आंखें बंद करके महसूस कर ही लिया। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है, बड़ा कठिन होता है बदनाम होकर नाम कमाना। कभी अपने प्रदूषण की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका कानपुर का चमड़ा उद्योग आज अपनी खोई हुई साख फिर वापस पा रहा है। क्यों फैलता है लेदर इंडस्ट्री से पोल्यूशन? मैं जानता हूँ कि बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत गंभीर विषय, लेकिन कभी कभी ऐसे विषयों पर झांक लेना चाहिए, वो गंभीरता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए मैं उन लोगों से मिलने चला आया हूँ जो नमामि गंगे के साथ में मिलकर इन्हीं टैनरी से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। सॉलिडेरी डैड किस तरह से चमड़े की इंडस्ट्री से फैलने वाले प्रदूषण को रोकने की कोशिश कर रही है? इन हाउस जो प्रदूषण बनाता है टैनरी के अंदर है ना, इनहाउस प्रैक्टिसेस को क्लीन एंड ग्रीनर टेक्नोलॉजी के साथ, केमिकल्स के साथ, बेटर प्रैक्टिसेस के साथ मिलजुल के प्रदूषण को कम कर सकता है। अच्छा, तो बेसिकली जो चेंजेस आप लेकर आ रहे हैं वो उन्हीं टैनरीज के अंदर है, अंदर कि जिस तरह से आप चमड़ा बनाते हैं वहीं पे ऐसा कुछ किया जाए कि प्रदूषण वहां से बाहर निकले ही नहीं। यस, कच्चा चमड़ा स्पॉइल नहीं होने के लिए नमक डालते हैं। नमक क्या है, टीडीएस का रूप में आपका पोल्यूशन बदलता है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम है टीडीएस। एक डीसॉल्टिंग मिशन बोल के दो ब्रश के सामने से लेदर को क्रॉस करें तो जो फिजिकली प्रेजेंटेड सॉल्ट ऑन लेदर विल बी ब्रश्ड ऑफ। 33% एट सोकिंग स्टेज को टीडीएस को कम कर सकता है। हम कैसा पोल्यूशन फ्री लेदर, सस्टेनेबल लेदर बना सकता है, इसमें हम लोग लगातार काम कर रहा है। मेक इन इंडिया के थ्रू सोडियम एक केमिकल इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक वे में। और इसमें एक क्वेश्चन ये, टैनरीज वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। सो दे आर रेडी बिकॉज़ उनका इंडस्ट्री सर्वाइव होना है। कानपुर और उन्नाव का नाम बदनाम है, टैनरियों में स्टिग्मा एक लगा हुआ है, लेकिन हम ये भी आपको दिखाना चाहते हैं कि ऐसी टैनरीज भी हैं जो बड़ी आधुनिक है, मॉडर्न है और बड़ी सस्टेनेबल है। और इन टैनरीज के अंदर जो हम लोग जिस जिस जगह रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे मेरे पीछे एक प्लांट लगा हुआ है, ये लाइम वाटर को रिसाइकिल करने का प्लांट लगा है, तो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हम लोग सब मीट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये प्राइमरी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ जी। प्राइमरी का मतलब ये है कि जो ये बेसिक हम यहाँ अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये इसके बगल में ये टोटल जीरो लिक्विड डिस्चार्ज इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर सारा पानी जो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ पर आएगा, इसको फर्दर ट्रीट किया जाएगा इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, फिर ट्रीट करने के बाद टैनरी के अंदर दोबारा यूज किया जाएगा। वो तो मतलब यहाँ से पानी जाएगा ही नहीं, फिर एक बूंद भी पानी यहाँ से नहीं बहा जाएगा। इसको इसीलिए कहते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज टैनरी। निप द इवल इन द बड। यस, मतलब वहीं काट डालो, उसके बाद तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। बिल्कुल एग्जैक्टली सही फरमाया। और ये ZLD जो होगा रॉ टू फिनिश लेदर, ये पहला एक मॉडल होगा इंडिया में। हैट्स ऑफ टू योर पॉजिटिविटी, हैट्स ऑफ टू योर प्रोग्रेसिव थिंकिंग। इस टैनरी की तरह कानपुर की और टैनरीज भी अपने प्रदूषण को रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही हैं। कानपुर शहर में नमामि गंगे ने एक फतेह हासिल कर एशिया के सबसे प्रदूषित नाले सीसामऊ नाले को पूरी तरह टैप कर लिया है। वन सिटी वन ऑपरेटर के तहत सारे STPs एवं अन्य सीवरेज कार्यों का रखरखाव किया जा रहा है। नमामि गंगे के अंतर्गत कानपुर में सीवरेज का एक बड़ा नेटवर्क है और गंगा की निर्मलता को भविष्य में बनाकर रखने के लिए एक और CETP यानी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। जाऊंगा एक ऐसी दुकान जहां की सोन पापड़ी थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी को पसंद। मुझे कोई ताज्जुब नहीं है जब कहें कि अटल बिहारी वाजपेयी यहां पे क्यों आया करते।
कानपुर के लोग बताएंगे क्यों आते हैं वो सरसैया गंगा खाने। देखूंगा कैसे बनता है मंदिरों और घाटों पर चढ़ाए फूलों से चमड़ा। और अटल घाट पर कानपुर के कमिश्नर मुझे बताएंगे गंगा को बचाने की सरकारी पहल के बारे में। ये लाल लाल इमारतें, ये विरासत के दरीचे, कानपुर की साधारण शक्ल पर मत जाइएगा जनाब, यहां मिलता है इतिहास आंखें मीचे। अब ऐसी ही दिलचस्प इतिहास की खुशबू में डूबी साधारण सी दिखने वाली पर उत्तम स्वाद से भरी पकवानों की दुकान का पता मुझे मिल गया। अब वो तीखा हो या मीठा मैंने ज्यादा नहीं सोचा। देखिए आज सुबह से मैं इतना खेला, इतना घूमा अभी तक कि मुझे भूख लग गई। और आप जानते हैं कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं ऐसी वैसी जगह नहीं जाता, खोज के निकलता हूँ। देखिए कानपुर में मैंने क्या खोज के निकाला, अब ये बताएं हमारे दर्शकों को कि क्यों ये जगह ऐतिहासिक है। ये सर मेरी शॉप जो है 1901 की खुली हुई है। 1901 से क्या यही सब मिठाइयाँ और ये इसी तरह का? हाँ, यही कचौड़ी सब्जी 1901 से चलती आ रही है। सोन पापड़ी तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत पसंद थी। यहाँ की? जी, हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पे आके सोन पापड़ी खाया करते थे। क्या बात है। अब भैया समस्या ये हो जाती है जब इस तरह का खाना आपके सामने होता है कि आप कहाँ से शुरू करें, तो मुझे लगता है कि मैं ट्रेडिशनल तरीके से शुरू करता हूँ। कचौरी के साथ में आपके खास जो आपके आलू हैं वो खा लेते हैं। बेहतरीन, नो डाउट सर, कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि ये रेसिपी हमारी है ही नहीं, हमारे पुरखों की रेसिपी और सब देशी घी में हमारे यहाँ। अच्छा तो ये तो हो गया नमकीन, ये ट्राई कीजिए जो अटल बिहारी वाजपेयी। जी हाँ, ये सोन पापड़ी। जी, क्योंकि सोन पापड़ी का कस्टमर टेस्ट जो होता है ना वो ये होता है कि आप इसे जबान पर रखें और वो पिघल जानी चाहिए। ऐसा मेरा बचपन से हम ये करते हैं और ये बिल्कुल पिघल गई, बोलने से पहले वो पिघल चुकी थी, तो वाकई बहुत अच्छी है, कमाल है। अच्छा एक सवाल मैं हमेशा पूछता हूँ, ये बताइए कि हलवाई अपनी दुकान के पकवान क्यों नहीं खाता है यार, मुझे अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला सर। अगर नहीं खाते होते तो ऐसे कैसे होते। करेक्ट कहा आपने, ये इसका मतलब ये जानते हैं कि जो इनका खाना है वो वाकई में बहुत ही बहुत, हम लोगों को भी बहुत कंट्रोल करके बैठना पड़ता है सर। थैंक यू वेरी मच यार, कहा था ना मैंने आपको ऐसी वैसी जगह नहीं जाता मैं। सरकारी प्रयास कितने ही हों अगर वो आखिरी पायदान पर खड़े इंसान तक नहीं पहुंचते तो उन्हें विफल ही माना जाता है। पर जब आम आदमी खुद आगे बढ़कर बदलाव को महसूस करता है और सराहता है तब लगता है कि शायद दिशा सही है। गंगा का ये सरसैया घाट इसी की एक मिसाल है। कानपुर का जन जन नमामि गंगे के इस प्रयास को सराहता भी है और उसके नतीजों को महसूस भी कर रहा है। गंगा को हिंदुस्तान का हर शख्स अपनी माँ का दर्जा देता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति का जो जन्म से लेकर जो उसकी मृत्यु में भी घाटों पे ही लाया जाता है, जो यहाँ का पानी है, जो जल है, उससे ही व्यक्ति भव सागर से पार होता है। कानपुर का विख्यात ये सरसैया घाट है, जो लोग माँ गंगा को भूल चुके हैं, अब आने वाली पीढ़ियाँ जो गंगा जी को पहचान नहीं रही हैं, जागरूकता बढ़ेगी और जानेंगे कि गंगा जी क्या है। इसके पहले स्टेप्स जो है इसके करीब 10-10 इंची के थे, लेकिन अब 6 इंच के स्टेप्स हो गए, तो जो हमारे बुजुर्ग लोग आते हैं यहाँ पर उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारी गंगा निर्मल और अविरल रहे इसके लिए सरकार ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और आप देख सकते हो अब तो सरसैया घाट की काफ़ी अच्छी कंडीशन हो गई है, पहले इतना नहीं था। घाट बहुत ही करीब है शहर से, एकदम जुड़ा हुआ है और बहुत ही भव्य और नयनाभिराम है। लोगों के दिल में आस्था और जागरूकता भी बढ़ रही है नमामि गंगे को लेकर और गंगा जी को लेकर, क्योंकि नमामि गंगे से लोगों के दिल हृदय इत्यादि जुड़े हुए हैं। एक कवि ने खूब कहा है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो ये देखिए हल निकला, मंदिरों में देवी देवता को चढ़ाए गए वो फूल जो बासी होकर गंगा में फेंक दिए जाते थे, जिनसे प्रदूषण के सिवा कानपुर को कुछ नहीं मिलता था, आज उन्हीं फूलों से रोजगार मिलता है। खुशबूदार अगरबत्ती और धूप बत्ती मिलती है। लेकिन मामला यही नहीं रुका, हल के साथ साथ सोच को और बल मिला। एक वक्त था जब कोई हमसे ये कहता था कि इंसान चांद पे पहुंच गया है तो वो बहुत बड़ी बात लगती थी, बहुत हैरानी वाली बात लगती थी। अब नहीं लगती, अब तो झुंड के झुंड पहुंच गए। अब हैरानी तब होती है जब हमसे कोई ये कहता है कि जानते हो कुछ लोग फूलों से लेदर बनाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, फूलों से लेदर बनाते हैं। जब भगवान के सामने मंदिरों में आप अपना फूल चढ़ा रहे होते हैं
तो भगवान आपको देख रहा है नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी नज़रें आपके फूलों पर रहती हैं। दो आप मांगते हैं, प्रसाद ये खाते हैं, क्योंकि उन्हीं फूलों से ये लेदर बनाते हैं, है ना अंकित? यार अन्याय वाली बात हुई ना, वो बेचारे फूल चढ़ाते हैं मंदिरों में और तुम उनको कन्वर्ट कर देते हो लेदर में। तो सर अच्छा है ना, गंगा जी के लिए तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट ये बहुत मेरे लिए भी बहुत एक नई चीज़ है कि फूलों से लेदर बना देते हो। तो फूलों से लेदर बनने का ख्याल कहाँ से आया? 2017 की बात है, मेरा एक चेक रिपब्लिक से दोस्त है, वो इंडिया आया हुआ था, तो उसको मैं गंगा जी के घाट ले गया। हम लोग दोनों बैठे हुए थे घाट पे, तो वो अंग्रेज मुझसे पूछने लग गया क्या है, क्यों इतना गंदा है। तो मैंने बोला भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, फीकल स्लज है, फिर टैनरीज का रिफ्यूज है, हाउस होल्ड वेस्ट है, सब कुछ इसमें जाता है। तो फिर वो मुझसे बोला एकदम से, तुमको कुछ नहीं करते हो। मैं भाई गंगा है, मतलब मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। और जैसे ही मैंने ये बोला, बगल से एक मंदिर ने टेम्पो भर के फूल गंगा जी में डाल दिया। और जब वो फूल गए अंदर, तो जो फूलों में जो भी केमिकल्स या पेस्टिसाइड होंगे वो पानी के सरफेस पे आ गए। तो वहाँ से ये आइडिया आया और मैंने डिसाइड किया कि हम लोग मंदिरों के फूलों पर काम करेंगे। तो जितने बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन हो सकते हैं हिंदुस्तान में, चाहे IIM अहमदाबाद हो, कैलकटा हो, IIT हो, ISB हो, सब में गए। वहाँ से थोड़ा थोड़ा धनराशि मिलता था, 1,00,000 रुपये, 50,000 रुपये, वो जोड़ जोड़ के धीरे धीरे बिजनेस खड़ा किया। और फिर 2018 में हम लोग IIT कानपुर से जुड़े, जिनको हम लोग ने आइडिया बताया कि हम फूल से कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने हमें अपने लैब वगैरह का एक्सेस दिया, तो वो सारी चीज़ें करके हम लोग ने इससे एक मटेरियल बनाया जो कि चमड़े जैसा बिहेव करता है। उसका नाम हमने रखा है फ्लेदर, लेदर फ्रॉम फ्लावर्स। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूसेज भी कम है और ये कार्बन नेगेटिव है, और इसमें करीब 1/4 वक्त लगता है और कॉस्ट भी 35% हो जाती है नॉर्मल टैनिंग के जगह। और दूसरी चीज़, लेदर आदमी खरीदता है गर्माहट के लिए ठंडे देशों में, लेदर की जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल लेदर से भी ज्यादा अच्छी है। कमाल है, माइंड ब्लोइंग है। इसका नाम फ्लेदर नहीं, इसका नाम चमत्कार होना चाहिए। एक्चुअल में जितनी भी क्वालिटीज बताई अंकित, वो अपने आप में मतलब अद्भुत है। ये बताओ, ये जो प्रोडक्ट बनाते हो अभी, वो एक लेदर बनता है, उसका फिनिश प्रोडक्ट भी बनाते हो? मतलब कुछ नहीं, हम लोग उसे फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनाते, हम लोग हाइड सप्लाई करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स को, जिससे कि वो अपने जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2.5 लाख का एक बैग बनता है, तो वो लोग अपने खुद बैग्स बना के इसको एक्सक्यूज में। ये देखिए, मैं बताऊँ आपको, रिस्पॉन्स अच्छा है, क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई थी कि गंगा प्रदूषित कम जी। आई थिंक वो थॉट इतना नेक था, वो ख्याल इतना नेक था कि आज उसका अंजाम इतना खूबसूरत है। वी नीड टू सपोर्ट आर लोकल बिजनेसेस, वोकल फॉर लोकल कहते हैं ना। चलिए अब मैं आपको फ्लेदर बनाने के प्रोसेस से परिचित कराता हूँ। खास बात तो ये है कि बासी फूलों का टेक्नोलॉजी द्वारा कितना शानदार इस्तेमाल कानपुर में फूलों का लेदर बनाने के लिए हो रहा है। इन युवाओं को, जिनकी सोच इतनी बड़ी और नायाब है, और गंगा को साफ रखने का खुद से जो एक वचन है, उन्हें मेरा सलाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की लेदर की शीट आपकी बनी हुई है। ये देखिए, बन गया लेदर फूलों से, फ्लेदर। फ्लेदर स्ट्रॉन्ग है जी, वंडरफुल है। बहुत जल्द आप मुझे फ्लेदर की जैकेट्स पहनते हुए देखेंगे। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा वो कुछ भी, हार नहीं मानूंगा। ये खूबसूरत पंक्तियाँ मेरी नहीं, ये हमारे एक बहुत ही चहेते नेता और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर सुनाया करते थे। वो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कानपुर का ये घाट उन्हीं की स्मृति में बना गया है, अटल घाट। और इस समय अटल घाट में मेरे साथ में है कानपुर के कमिश्नर, एक बहुत ही यंग और डायनेमिक व्यक्ति हैं। 500 किलोमीटर का स्ट्रेच आपकी निगरानी से होकर जाता है जी, तो क्या ये जिम्मेदारी आपको बड़ी लगती है? जिम्मेदारी तो बड़ी है, बट इस जिम्मेदारी को निभाने में जो खुशी मिलती है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जो मेरे अंडर में जो 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिससे गंगा गुजरती है, तो सही मायने में हमें गंगा अविरल भी मिले और स्वच्छ भी मिले, तो उस उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। चैलेंज तो है, बट मज़ा भी आ रहा है। पर चैलेंज होगा राज आपके लिए, क्योंकि अगर हम बात करें जहाँ से आती हैं पीछे से, तो हमेशा कानपुर का नाम बहुत ज़्यादा आता है कि प्रदूषण कानपुर में बहुत ज़्यादा मिलता है या हो जाता है गंगा के अंदर, तो ये एक चैलेंज है। क्या आपको एक बदलता हुआ स्वरूप नज़र आ रहा है आने वाले समय में? नमामि गंगे के तहत जो काम किया गया है उसका असर देखने को मिलता है, क्योंकि आज जैसे देखेंगे हम लोग अटल घाट, जो एक कानपुर का बहुत ही सुंदर एंड ऐतिहासिक घाट है, इस पर हम लोग खड़े हुए हैं।
तो यही अगर आप 5-6 साल पहले अगर यहाँ पर खड़े होते जो दृश्य आपको दिखता, जो आज जो आपको दिख रहा है, बहुत डिफरेंस है इसमें। घाटों का निर्माण हो रहा है। हाँ, घाटों का भी निर्माण जो है इसमें किया जा रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ तो इसी सिटी में हमारे 6 बड़े घाट हैं। आने वाले दिनों में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कानपुर का जो कंसेप्चुलाइज किया गया है, एक बायोडाइवर्सिटी पार्क, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, NGT का एक अपेक्षा है कि कानपुर, क्योंकि यहाँ पे लगभग 125-30 किलोमीटर पे गंगा बहती है, तो यहाँ बायोडाइवर्सिटी जो गंगा का है उसको कंजर्व करने के लिए एक 50 एकड़ का बायोडाइवर्सिटी पार्क का निर्माण करने का एक टारगेट है। क्या बात है। मैं बताऊँ आपको, आने वाले दिनों में मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ, क्योंकि मैं जैसे जैसे गंगा के साथ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, सीज़न 2 कर रहा हूँ, जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, जितने अधिकारियों से मैं मिलता हूँ, मेरे दिमाग में ज़रा सा भी संदेह नहीं है कि गंगा अब सुरक्षित हाथों में आएगी। और आगे जानूंगा आजादी के मतवालों का इतिहास बिठूर में। हर मात को जीतना हमें आता है, हर बंजर को सींचना हमें आता है। अरे ओ दुनिया वालों, गौर से देख लो, आंख से आंख मिलाकर तिरंगा फहराना हमें आता है। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता हम सब ने पढ़ी है, रानी लक्ष्मीबाई, इस नाम से कौन परिचित नहीं। आप जानते हैं, हर इंसान की शख्सियत में उसकी परवरिश झलकती है। 19वीं शताब्दी के मध्य में 1857 की क्रांति के नायक श्री नाना साहब नन्ही मनु को यहाँ बिठूर लेकर आए और उस मनु को वो परवरिश दी कि वो रानी लक्ष्मीबाई बन गई। वो समय तो अब नहीं रहा, लेकिन उस समय के कुछ अवशेष अब भी यहाँ बिठूर में हैं। तो चलिए 1857 के महानायकों की जिंदगी से कुछ प्रेरणा उधार लेते हैं। बिठूर कोई सामान्य धरती नहीं है, ये तो आजादी की लौ जलाने वाले नाना साहेब, लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे की धरती है। ये आजादी की लड़ाई के आरंभ की धरती है। बिठूर के इतिहास के बारे में मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए मुझसे मिलने आए हैं डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, जो कि इसी बिठूर के इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। सर, बिठूर की क्या अहमियत थी 1857 के क्रांति में? बिठूर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है इस दृष्टि से कि 1857 की क्रांति का ये केंद्र रहा। नाना साहब ने क्रांति का विगुल फूकने का यहाँ से निश्चय किया। ये स्थल जो है उनका एक किला था, यहीं पर वह मीटिंग्स करते थे अपने सिपह सालारों के साथ, जिसमें प्रमुख थे तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, टीका सिंह, ज्वाला सिंह। तो यह क्रांति केंद्र है। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ पर आई थी, उनकी परवरिश यहीं पर हुई। बिल्कुल बिल्कुल, बनारस में इनका जन्म हुआ। इसके बाद नाना साहब और बाजीराव जी ने इनको यहाँ बिठूर बुला लिया और यहीं उनकी परवरिश हुई। यहीं उन्होंने युद्ध कौशल सीखा नाना साहब के नेतृत्व में, और महिला ब्रिगेड का वो नेतृत्व करती थी। डॉक्टर साहब, नाना साहब यहाँ बिठूर क्यों आए? अंग्रेजों ने भारत पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करने के बाद जब महाराष्ट्र की ओर बढ़े, तो बाजीराव जो सेकंड थे उनके साथ अंग्रेजों का समझौता हुआ। ये दुर्भाग्य था और समय की परिस्थिति थी। तदानुरूप अंग्रेजों से पैक्ट ये हुआ कि भाई आप ये दक्षिण भारत छोड़ दीजिए, उत्तर भारत में कहीं चले जाइए। तो 1818 में वहाँ से बाजीराव सेकंड और प्लस नाना साहब आदि सब बिठूर आ गए। बिठूर में इन्होंने गंगा तट पर, जिसको गंगा महल के नाम से जानते हैं, एक महल बनवाया। 1839 के आसपास जब बाजीराव जर्जर हो गए, बिल्कुल लगा उनकी कोई संतान नहीं थी, नाना साहब को जो पेशवा की गद्दी या उपाधि थी वह भी दे दी और 1851 में उनकी मृत्यु हो गई। तब नाना साहब की जो पेंशन थी और जो टाइटल था पेशवा, पेशवा मींस किंग, वह भी अंग्रेजों ने छीन लिया। नाना साहब ने 51 से लेकर के फिर अपनी तैयारी शुरू करी, लखनऊ का नवाब वाजिद अली और तमाम सब लोगों को जोड़ जाड़ करके, और क्रांति का विगुल यहाँ 6 जून से प्रारंभ करा 1857 से। अंग्रेजों को उन्होंने मात दी, पूरे कानपुर पर जो है शासन कर लिया। ये तो अर्थात बिठूर जो है वो क्रांति का केंद्र है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिश्रा, मेरी जानकारी बढ़ाने के लिए और इतनी दिलचस्प बातें बताने के लिए। हमारी आज़ादी को 75 वर्ष होने वाले, अगर कुछ देर के लिए आज़ादी की क्रांति के उस दौर में अगर हम चले जाएं मानसिक तौर पर, तो यकीन नहीं होता कि ऐसे ऐसे क्रांतिकारी थे, ऐसे ऐसे देशभक्त थे। अंग्रेज़ों ने इतने वर्षों तक हम पे राज किया, हमें फूट डालकर, हमें अलग करके, लेकिन जिस दिन हम एक हुए, जिस दिन हर राज्य, हर प्रांत, हर धर्म एक हुआ, अंग्रेज़ों के घुटने तोड़ दिए।
हमें तो आज़ादी धरोहर मिली है, तो शायद हमें लगता है कि ये तो हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। लेकिन दोबारा हम में कोई फूट ना डाल दे, हमें जुदा ना कर दे, इसके लिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम सिर्फ सड़कों या रेल लाइनों से नहीं जुड़े हैं, हम इस देश की नाभि से जुड़े हैं। मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगा। अब उम्मीद तो दुनिया कायम है, इसीलिए इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आज़ादी का जश्न हम सिर्फ एक दिन नहीं मनाएंगे, बल्कि हर रोज़ पूरे विश्व को आज़ाद भारत की ताकत दिखाएंगे। पर आइए, मत वादा नहीं मांग रहा हूँ, बस खुद से और आपसे इस बात की अपेक्षा रख रहा हूँ। जय हिंद।